दोस्तों, क्या आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपका कीबोर्ड है वो आपको स्मॉल साइज में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरीके से आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है जब भी आपने मोबाइल फ़ोन में कहीं पर भी टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके से कीबोर्ड निकल के आ जाता है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आप जाएंगे वहाँ जहाँ पर आपको टाइपिंग करना है। तो इससे मान लीजिए हमें यहाँ पर सर्च करना है सेटिंग में, तो हमारा कीबोर्ड आ गया है। कीबोर्ड आने के बाद आपको जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के इस वाले आइकन पर। यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस आइकन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा, एक मिलेगा फ्लोटिंग, जैसा अभी आपको दिखाते हैं ये आपको मिलेगा। एक यहाँ पर निशान है फ्लोटिंग का, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको इस पर एक बार इस तरीके से टच करना है और आपका कीबोर्ड फुल स्क्रीन में आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर बाई चांस आपको ये फ्लोटिंग का बटन यहाँ पर नहीं मिलता है, इस तरीके से यहाँ पर नहीं मिलता है, तो अपने कीबोर्ड को आप यहाँ से इस तरीके से ले लीजिए और यहाँ पर आपको जो आपको होम स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप इस तरीके से लॉन्ग प्रेस लाइए और इस तरीके से छोड़ दीजिए। आपका ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर भी बाय चांस अगर आपका ये काम ना करे तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा की, उसके बाद कीबोर्ड, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे जी बोर्ड, जी और उसके बाद बोर्ड, तो आपके सामने आ जाएगा जी बोर्ड और यहाँ पर ये आपको निकल कर आ जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे एक बार डिलीट करना होगा। एक बार इसे आप डिलीट कर दीजिए। जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, ये आपका कीबोर्ड है, इसे आपको एक बार डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। फिर अपने कीबोर्ड को आप कहीं पर भी ओपन करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन में ओपन होगा। तो बस इतना काम कर लीजिए, उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।